कितना बड़ा मंगेश यादव अपराधी था का अम बम रॉकेट लॉन्चर उन्चर और पूरा वो लेके आया था टैंकर वैंकर का टैंकर लेके आया था वो पाकिस्तानवा वाले बडरवा का कि उसको सीधे गोली स्ट्रेट फायर। ये इनकाउंटर नहीं है, ये जानबूझ करके हत्या किया गया क्योंकि वो यादव है। और योगी बाबा का सबसे बड़ा राजनैतिक दुश्मन अगर कोई है तो वो पीडीए है। और अपने खुन्नस और अपने गुस्से को निकालना चाहते हैं योगी बाबा, इसलिए वो यादव को टारगेट किए। जबकि मुख्य जो आरोपी साजिश करता था वो सरेंडर कर दिया जाता है उसी पुलिस के प्रशासन के माध्यम के द्वारा। तो मैं योगी बाबा के कार्यकाल में हुए किसी भी आपराधिक घटना को मैं ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि योगी बाबा सत्यता के आधार पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। योगी बाबा बदले के भावना से काम करते हैं और योगी बाबा खुद अपराधियों की तरह अपराधियों की भाषा का उपयोग करते हैं और अपराधियों के कार्रवाई को उपयोग करते हैं। पुलिस से कह दीजिए कि एक ठो पाकेट मार तो आप पकड़ नहीं पाते हैं, जब बच्चियां छेड़खानी की जाती है तो उस छेड़खानी करने वाले लड़के को आप नहीं पकड़ पाते हैं, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाते हैं। ये कहिए कि जो बृजभूषण सिंह था उसको क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ उससे पूरी सियासत गर्मा गई, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी बात को लेकर लगातार जाने जाते हैं। सबसे पहले मिश्रा जी स्वागत है बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई। जिस तरह से सर मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और योगी जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के पाले हुए गुंडे हैं और जब ये मारे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाते हैं, नहीं योगी बाबा जी शायद जमीनी हकीकत से परे नहीं परे हैं और उन्हें अभी ढंग से सरकार नहीं चलाने आता। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का मंगेश यादव के द्वारा हत्या किया गया है, ये इनकाउंटर नहीं है, ये जानबूझ करके हत्या किया गया क्योंकि वो यादव है। पीडीए एक ऐसा फार्मूला था अखिलेश यादव जी का जो पूरे भारतीय जनता पार्टी की औकात को नाप करके रख दिया, पूरे देश में एक भूचाल ला दिया पीडीए के एक नारे ने। और योगी बाबा का सबसे बड़ा राजनैतिक दुश्मन अगर कोई है तो वो पीडीए है और पीडीए का सबसे मजबूत कड़ी जो है वो यादव बिरादरी है। तो इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं वो, इसलिए अपने खुन्नस और अपने गुस्से को निकालना चाहते हैं योगी बाबा, इसलिए वो यादव को टारगेट किए। जबकि मुख्य जो आरोपी था, मुख्य जो साजिश करता था वो सरेंडर कर दिया जाता है उसी पुलिस के प्रशासन के माध्यम के द्वारा। और जो सहयोगी अपराधी था जिसका नाम मंगेश यादव है, अब पता नहीं अपराधी था कि नहीं था, कि उसको पुलिस ले गई कि अब तो वो जांच की बात है। और क्या अभी आपको? हाँ निश्चित रूप से, मैं योगी बाबा के कार्यकाल में हुए किसी भी आपराधिक घटना को मैं ये कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि योगी बाबा सत्यता के आधार पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। योगी बाबा बदले के भावना से काम करते हैं और योगी बाबा खुद अपराधियों की तरह अपराधियों की भाषा का उपयोग करते हैं और अपराधियों के कार्रवाई को उपयोग। योगी बाबा तो कहते हैं जब कोई पुलिस से अगर मुठभेड़ करेगा तो क्या पुलिस छोड़ देगी, क्या पुलिस आधार कार्ड देख कर मारेगी किसी को? अरे तो भैया हम ये कह रहे हैं कि पुलिस से मुठभेड़ करने वाले को आप पकड़िए, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है वो पैर के नीचे गोली मारने का है, आप सीधे स्ट्रेट छाती पे गोली मार रहे हैं। कितना बड़ा मंगेश यादव अपराधी था का अम बम रॉकेट लॉन्चर उन्चर और पूरा वो लेके आया था टैंकर वैंकर का टैंकर लेके आया था वो पाकिस्तानवा वाले बडरवा का कि उसको सीधे गोली स्ट्रेट फॉरवर्ड मार। कहती फुल इनकाउंटर नहीं करते तो हमको ही गोली लग जाती, फुल इनकाउंटर नहीं करते तो हमको ही गोली लग जाती। क्या जवाब और सवाल कर रहे हैं? पुलिस से कह दीजिए कि एक ठो पाकेट मार तो आप पकड़ नहीं पाते हैं, जब बच्चियां छेड़खानी की जाती है तो उस छेड़खानी करने वाले लड़के को आप नहीं पकड़ पाते हैं, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाते हैं। ये कहिए कि जो बृजभूषण सिंह था उसको क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस, कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस, चिन्मयानंद को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस,
अशोक सिंह जो गाजीपुर का 2.5 साल के बच्ची के साथ था, क्योंकि ये सब एक जाति विशेष के हैं जिनके नाम के आगे सिंह लगा है और वो राजपूत और ठाकुर बिरादरी के हैं। इसीलिए दुर्गेश सिंह और उनको छोड़ दिया गया क्या विपिन सिंह को? अरे इसीलिए तो उसको सलेंडर कराया गया और अब मंगेश यादव की इनकाउंटर करा करके अपना खुन्नस निकाला गया। तो जिसके बिरादरी का, जिसके कुल का और जिसके परिवार के लोग अनायास मारे जाएंगे तो वो सवाल उठाएगा और अखिलेश यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद है कि यदुवंशियों को साजिशन मारने की जो कुचक्र योगी बाबा जी अपने मन में ठान के बैठे हैं उसका खुलासा लगातार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं राजनीतिक स्तर पर और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा सर, जितने ज़्यादातर इसमें अपराधी तमाम पकड़े गए थे लेकिन मंगेश यादव का जो मुकदमा था बहुत ज़्यादा नहीं था लोग बता रहे थे, तो इस मुकदमे को लेकर इसीलिए लोग ज़्यादा शंका कर रहे हैं कि योगी सरकार गलत कर रही है? नहीं, देखिए एक बात हम बताएं, देखिए हम हों चाहे अखिलेश यादव जी हैं, आपराधिक मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये बात नहीं कह रहे जी। भाई अपराधी है तो उसके लिए कानून है, धारा है, जेल है और कोर्ट है। सरकार कैया से कोर्ट बन गई है, योगी बाबा से कहिए कोर्टों को निरस्त कर दें, न्यायपालिका का मतलब ही नहीं रहा, कोई न्यायपालिका मतलब ही नहीं है। पुलिस इतनी डरी सहमी लाचार बेकार हो चुकी है कि उसको 17 साल का कोई अपराधी कट्टा तान दे रहा है और वो धड़धड़ धड़धड़ काँप रही है। बारे उत्तर प्रदेश पुलिस, क्या है आपका प्रक्रिया और क्या है आपका पहचान? तो हम लोग भी जानते हैं, नागरिक हैं, समझ रहे हैं, साफ साफ देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि ये जातिवादी नफरत का शिकार हुआ है मंगेश यादव और अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ क्रोध है या मंगेश यादव का। इस बात को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से डीजीपी ने वीडियो वायरल किया, उसकी बहन ने कहा 2 बजे हमारे भाई को उठा ले गए, हालांकि उन्होंने पहले भी बताया था कि जबरदस्ती हम लोगों को वीडियो में बुलवाया गया, क्या कहेंगे इस बात को? भैया पुलिस से अब यहाँ पुलिस आवे एक जी, बहुत बड़े आप पत्रकार हैं, होनहार पत्रकार हैं और इतनी मार मार दे आँख वाँख करिया हो जाए और 200 रुपया का नोट थमा के कैसे कैसे मार दे, जैसे उसको मारिए पहले सुन लीजिए, और 200 रुपया आपको दे करके अब बयान दिया कि बोलो कैमरे के सामने कि हम पॉकेट मारी करते हुए जौनपुर स्टेशन पर पकड़े गए, मैं अपने जुल्म को कबूल। तो लात खाने के बाद ना अच्छे अच्छे लोग की जुबान टेढ़ी हो जाती है और वो पुलिस गुंडई के बल पर वो बयान डलवा रही है, तो पुलिस बहुत अच्छी नहीं है। पुलिस के कार्रवाई से आप भी देखिए अवगत हैं, पुलिस हमेशा सिर्फ सरकारों के इशारों पर हत्या करती है और सरकारों के इशारों पर काम करती है। अब कैसे जीरो टॉलरेंस की बात लगातार मुख्यमंत्री से तमाम मंत्री लोग कर रहे हैं, कैसे आप मानेंगे? 18 जन्मदिन ठाकुर मार दिए जाएंगे जो बड़े बड़े हैं माफिया, उस दिन हम जो है जीरो टॉलरेंस पर जो है खूब पुष्प वर्षा कराएंगे और योगी बाबा का जिंदाबाद करेंगे। काफी लिस्ट बनाए, पूरी लिस्ट है योगी बाबा जी के पास है। कब खुलासा होगा इसका? 27 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तब खुलासा करेंगे। हाँ तब जाएगा। अच्छा, मंगेश यादव का परिवार अखिलेश यादव से मुलाकात भी किया, इस मुलाकात को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हर नागरिक को अधिकार है कि जब सत्ता पक्ष उसके साथ क्रूरता करे तो वो विपक्ष के नेताओं से मिल सकता है और ये तो सहजता है, सरलता है विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति और या परिवार जब चाहे तो अपने वेदना को, अपने दुख को जाहिर करने के लिए अखिलेश यादव जी से मिल सकता है। और मैं बड़ा मतलब गर्व महसूस करता हूँ ऐसे प्रदेश के नेता के ऊपर कि जब वो शासन और सत्ता के नफरती विचारधारा का शिकार हो, वैसे दौर में विपक्ष का सहारा लेने के लिए अखिलेश यादव जी और विपक्ष की आवाज़ बनने के लिए अखिलेश यादव जी खड़े हैं, धन्यवाद है उनको। एक सवाल सर और हम आपसे करना चाहेंगे, जो SDM साहिबा हैं आपकी सुल्तानपुर की विदुषी सिंह करके हैं, इनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनको जांच अगर दे दिया गया निष्पक्ष जाँच नहीं होगी, उसी जात की हैं जिस जात को लगातार समाजवादी पार्टी टारगेट कर रही, ठाकुर समाज को, इस बात को क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इस बात से हम सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी SDM, सभी तहसीलदार, सभी थाना अध्यक्ष, सभी DM या जो प्रमुख पद हैं उस पर बाबू साहब लोग ठाकुर जाति के लोगों का प्रमोशन कर दिया गया है, तो अब हम क्यों अखिलेश यादव जी को जातिवाद के आधार पर उनको कलंकित करें? हाँ, जब तक ये ठाकुर और बाबू साहब लोग ना होते, अन्य जातीय अन्य पीढ़ी की भागीदारी होती, किसी मौर्या को दिए होते, न दिए होते यादव SDM को, किसी मौर्या को देते, किसी हरिजन को देते, किसी अल्पसंख्यक को देते,
हम ही आप ही हमारे विरोधी और आप ही को हमारा चार्जशीट बनाना है, तो आप लिखेंगे कि बनारस वाले मिश्रा जी बड़े उज्जवल और उच्च कोटि के विचारधारक हैं? कभी नहीं लिखेंगे, होंगे तो भी नहीं लिखेंगे, कहेंगे आपकी अपराधी था इसको मारा जाए। ये ठाकुरवादियों का चक्रव्यूह था जिसमें बेचारा मंगेश यादव को हत्या कर दी। कैसे अधिकारी को सौंपना चाहिए था इसकी जांच मंगेश? बताए तो कि पीडीओ को सौंपो, हो जाता सही। हाँ, मौर्य को सौंप दो, पंडित जी को सौंप दो, मुसलमान को सौंप दो, दलित को सौंप दो, वो करता अपना। न ठाकुर का था न यादव का था, बीच का था, न्यायिक लिखता। तो तुम दे रहे हो, यादव मारा जा रहा है, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, और तुम ले जा रहे हो विदुषी सिंह को दे रहे हो मजिस्ट्रियल जांच। ये सब कुछ नहीं होगा, फिर क्लीन चिट होगा। अच्छा, बैकवर्ड के नेता ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी कहा कि आधार देख कर पुलिस मारेगी, जब यादव मारा जाता तो अखिलेश जी बोलते हैं, और कोई मारा जाता इनकी जबान बंद हो जाती। इसी सारनाथ में, इसी बनारस के सारनाथ में चोरी किया हुआ राजभर था, उसको छुड़ाने के लिए ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के लोग सारनाथ थाने का घेराव किए, लाठी चार्ज हुआ, और उसके बाद ये सदन में जाके रोए कि राजभरों को बदनाम किया जा रहा, मारा जा रहा, उनका बिरादरी चोरी करके, जबकि खुद वो कहते हैं कि हमारी बिरादरी जितना दारू पी जाती है, जितना सेंध मार ले जाती, उतना और कोई बिरादरी, उन्होंने कहा था उनकी बिरादरी उन्नत, अखिलेश यादव की बिरादरी अपराधी, तो ये सब। और ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश राजभर की क्या बात करते हो यार, वह आप माइंड नेता है। चलिए देखिए, एक सवाल और कर लें, क्या अंतिम सवाल यही कर लें कि क्या कहना चाहेंगे मंगेश यादव को, और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी वेदना है, और मैं ऐसे पुलिसिया हत्या के खिलाफ हूँ, और जब जब योगी बाबा जाति देख करके, जाति के आधार पर हत्या करेंगे, तब तब बनारस वाले मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी या विपक्ष के तमाम नेता चढ़ करके सदन में इस बात का न्याय मांगेंगे, क्योंकि लोकतंत्र पर विश्वास है, इसलिए हम जानते हैं कि सदन की अपनी एक कार्रवाई है। अच्छी, मठ और मठाधीश का क्या मामला है जो अखिलेश जी बोले और लगातार सियासत गर्मा गई? मठाधीश और माफिया का क्या मामला है ये पूछिए तो मठाधीश और माफिया दोनों, माफिया का पर्यायवाची मठाधीश होता है और मठाधीश का पर्यायवाची माफिया होता है। अच्छा। तो पर्यायवाची हिंदी उन्दी पढ़े हैं कि नहीं? कहा नहीं, इसीलिए तो पूछ दिए मठा और मठाधीश में क्या मामला है। तो जहाँ मठाधीश हो, कोई मठाधीश हो, उसको माफिया की निगाह से आप जरूर एक बार सर्च कर लीजिए, और जो माफिया है उसको मठाधीश के भी एंगल से जरूर देख लीजिए। जो माफिया है ना, वही मठवा में बैठा हुआ है। अच्छा। और जो मठवा में बैठा है ना, वही माफिया है। तो इसका कनेक्शन बहुत पुराना नाता है, उसको साबित भी किया योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी सरकारों ने, आगे और भी साबित होगा। अभी तो सिर्फ एक बार बोले हैं, अब इसके पूरे रिजल्ट आपको कई मठाधीश और माफियाओं के कनेक्शन से मिल जाएंगे, हम लोग आपको देंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी, अपनी बात को बेबाकी से रखें, हालांकि सवाल मंगेश यादव पर हमने इनसे किया है और मंगेश यादव का मामला अभी गर्म था, इसलिए हम इनसे बातचीत किए हैं। और खबरों को दिखाएंगे, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।